Welcome back everyone. We were studying the Medicinal and Toilet Preparation Act year 1955. हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखा एक्ट का, उसके बाद हमने लाइसेंसिंग प्रोसेस देखी. अब हम देखते हैं कि इनसाइड द बॉन्ड एंड आउटसाइड द बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहती है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. मैंने कहा था कि मैं आपको वही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगी और उसी टॉपिक के पहले बताऊंगी जो हम पढ़ेंगे. तो आज हम देखेंगे बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड में क्या क्राइटेरिया है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है. सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से. तो डेफिनेशन कहती है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग दिस इंक्लूड द प्रीमाइसेस व्हिच इज अप्रूव्ड और लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज. मींस यू हैव अ प्रीमाइसेस, योर प्रीमाइसेस ऑफ योर फर्म और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट व्हिच इज अप्रूव्ड और लाइसेंस. ईदर यू हैव योर अप्रूवल और यू कैन ऑल्सो लाइसेंस इट. उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए या स्टोरेज के लिए आपकी फर्म की लोकेशन, जहां पर आपको क्या करना है, अप्रूवल या लाइसेंस ले लेना है मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज के लिए. स्टोरेज किस चीज का, हमारे मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं जिसमें एल्कोहल ओपियम एक्सेट्रा थिंग्स होती है. ऑन विच इन सब चीजों के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड. मींस इन क्राइटेरिया ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी और बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग द ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड अर्लियर, ये बाद में पे की जाती है. इन केस ऑफ नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, नॉन बॉन्डेड में केस बिल्कुल ऑपोजिट है कि सेम यू हैव अ प्रीमाइसेस जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन की अप्रूवल हो या फिर आपके पास उसका लाइसेंस हो. उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ड्यूटी जो है आपने पे की है, पहले से आपने जो है ड्यूटी पे की हुई है और इस केस में आप जो है पहले ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी जो है पे नहीं करते हैं. तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन. इसे हम कहते हैं इन बॉन्ड एंड इसे कहते हैं आउटसाइड दी बॉन्ड. तो ये दोनों में डिफरेंस है. वैसे अब दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बता देती हूँ जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो आप नाम में कंफ्यूज ना हो इसलिए. सबसे पहले स्पिरिट स्टोर. स्पिरिट स्टोर क्या है, ये आप ही के प्रिमाइसिस का एक छोटा सा पार्ट है जहां पर आप एक बार में परचेस किया हुआ होलसम अमाउंट का जो स्पिरिट है मींस अल्कोहल है वो स्टोर करते हैं. फॉर वंस द स्टोर स्टोर्ड अल्कोहल हैज बीन प्लेस्ड इन द स्पिरिट स्टोर देन आपको जितनी बार मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो यूज होगा आपको एक परफेक्ट क्वांटिटी में ही वहां से इश्यू किया जाएगा. वहां सिर्फ एक ही डोर रहता है, उसी डोर से जो है आपको वो कन्वीनियंटली फर्दर पास किया जाता है और उसी डोर से जो है आपको वहां से वापस देना पड़ता है. ये स्पिरिट स्टोर जो है आपके बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दोनों लैब्स में मौजूद होना जरूरी है. फिर है एक्साइज कमिश्नर. हु इज एक्साइज कमिश्नर हियर, ही इज द हेड ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट और यू कैन ऑल्सो कॉल हिम एक्साइज डायरेक्टर. ये जो है एक्साइज डायरेक्टर भी कहे जाते हैं और ये आपके स्टेट के मींस आपका जो स्टेट है सपोज ये एमपी स्टेट है तो यहाँ पे जो एक्साइज कमिश्नर है वो हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के जो है हेड है. तो ये जो है सिंपल डेफिनेशन है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको उसको समझना पड़ेगा. अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन. मैं आपको पहले ये बताना चाह रही थी कि इन बॉन्ड और आउटसाइड बॉन्ड में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बट एक छोटा सा ग्लास ले लेते हैं. इससे आपको जब मैं स्टार्ट करूंगी ये टॉपिक फर्दर तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा शॉर्ट में समझने के लिए कि एक्चुअली इसमें होता क्या है. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन इन बॉन्ड एंड आउटसाइड दी बॉन्ड. क्या इन बॉन्ड में होता है, क्या आउटसाइड दी बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग में होता है. सबसे पहले हम देखेंगे इट इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इन केस ऑफ इन बॉन्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज द सुटेबल चॉइस. वेदर अगर आप देखें कि आउटसाइड द बॉन्ड है तो यहां पर आपको सजेस्ट किया गया है कि स्मॉल स्केल के लिए आउटसाइड द बॉन्ड जो है होता है. मींस अगर आपको आउटसाइड द बॉन्ड का लाइसेंस चाहिए है तो वो आपके स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल सही है. बॉन्डेड लैब रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर सुपरविजन ऑफ एक्साइज स्टाफ. ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. इवन मैं आपसे कहूँ
मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि बॉन्डेड लैब जो हम कह रहे हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही है, और यहाँ पर जो है एक साइज स्टाफ होना चाहिए, एक अलग सेपरेट कैबिन होता है जहां पर आपका जो है एक साइज डिपार्टमेंट नीव जो कि ये रेक्टिफाई करते हैं कि आपने सही अमाउंट यूज करा है या नहीं, सही अमाउंट इश्यू हुआ है या नहीं, व्हाट इज द वेस्टेज परसेंटेज एंड जो आपका ड्यूटी है वो किस तरीके से चैनलाइज हुआ है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दिस इज द मेन डिफरेंस। इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो यही है। वही आप आउटसाइड डिपार्टमेंट में देखिए, नो एक्साइज स्टाफ इज नीडेड बिकॉज अ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में जो है आपको एक्साइज डिपार्टमेंट की एक स्पेशल जगह जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। देन एक्साइज ड्यूटी इज पेएबल ऑन द रिमूवल ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम द बॉन्डेड लैब। अब ध्यान से देखिए, बॉन्डेड लैब से जब फिनिश्ड गुड मीन्स अ प्रिपरेशन अ प्रोडक्ट विच कंटेनिंग एल्कोहल इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड। फिनिश गुड के जैसे ही जो लैब से बाहर आने की प्रोसेस है उसके पहले जो है एक्साइज ड्यूटी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो हियर पे द एक्साइज ड्यूटी एंड द प्रोडक्ट इज आउट फॉर फ्रॉम योर फर्म। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्डेड लैब, क्या कंस्ट्रक्शन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले रॉ स्पिरिट स्टोर, जिसकी हमने बात करी कि स्पिरिट स्टोर होना बहुत जरूरी है जहां से जो है पर्टिकुलर अमाउंट आपको इश्यू हो जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग रूम, बट ऑब्वियसली रिक्वायर्ड अ गुड मैन्युफैक्चरिंग रूम इन अ गुड कंडीशन। देन फिनिश गुड स्टोर, जहां पर आपका वंस द प्रोसेस इज डन विद एल्कोहल और ओपियम, जहां पर आपका एल्कोहल या ओपियम से जो प्रोड्यूस करने वाला पार्ट है वो डन हो जाता है, देन आप हम उसको डालते हैं फिनिश गुड कैटेगरी में, तो आपके पास एक ये स्टोर होना जरूरी है। एंड लास्टली ऑफिस ऑफ द एक्साइज स्टाफ, हमें जो है ऑफिस बनाना है एक्साइज कमिश्नर सॉरी एक्साइज स्टाफ के लिए, जो कि आपको क्या करेंगे पूरे टाइम मॉनिटर करेंगे। फिर हम देखा कि यहाँ पर जो हमने देखा था कि एक्साइज ड्यूटी जरूरी है आपको रिमूव करने से पहले आपके प्रोडक्ट को, एक्साइज ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट, जब रेक्टिफाइड स्टोर से स्पिरिट परचेस किया जाएगा यहाँ पर जो है चार्जेस तब पे करने पड़ते हैं ऑफ एक्साइज ड्यूटी, चार्जेस ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। देन हिंदी कंस्ट्रक्शन में भी वही सेम